बड़ी खबर एक और आपको बता दें, इस वक्त यूपी कांग्रेस कमेटी में 2 दिन की कार्यशैली कार्यशाला होगी और 1 और 2 जून को होगी यूपी कांग्रेस की कार्यशाला। कार्यशाला का नाम नव संकल्प शिविर रखा गया। सभी पदाधिकारी जिला शहर अध्यक्ष रहेंगे इसमें मौजूद। तो यूपी कांग्रेस कमेटी में 2 दिन के लिए कार्यशाला आयोजित होगी। 1 और 2 जून को होगी यूपी कांग्रेस की कार्यशाला। तो कार्यशाला का नाम नव संकल्प शिविर रखा गया। एक नए संकल्प के साथ कांग्रेस फिर शिविर करने जा रही है। आज और कल यह शिविर होगा, यानी 2 जून, 2 जून और 1 जून को यह शिविर होगा और इसको प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है। यूपी कांग्रेस कमेटी 2 दिन की कार्यशाला आयोजित करने जा रही है। आज और कल नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। यूपी कांग्रेस कमेटी में 2 दिन की कार्यशाला होगी और इस कार्यशाला में मंथन किया जाएगा। निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरीके से यूपी कांग्रेस कमेटी में 2 दिन की कार्यशाला आयोजित होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण उसको माना जा रहा है। हालांकि जो रिजल्ट आए थे 2022 में इतनी मेहनत करने के बाद वो सबने देखे, लेकिन अब फिर एक बार से नव संकल्प लेकर एक नई कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। क्या तैयारी इस कार्यशाला की, कब तक की कार्यशाला चलेगी? यकीनन आपको बताती चलूं कि आज फिलहाल यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ आगमन करेंगी, और क्योंकि नव संकल्प शिविर नाम रखा गया है पूरे विश्लेषण का, तो आज 2 बजे वो आएंगी और 2 जून को मैं कह सकती हूँ 2 दिन पूरा ये शिविर चलेगा और उसके बाद 2 जून को 5 बजे दिल्ली रवानगी होगी। अब ये क्यों किया गया है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें महज 2 सीटों पर सिमट गई थी ये पूरी कांग्रेस की टीम, और उसके बाद अगर मैं विधान परिषद की बात करूं तो वहां पर भी निराशाजनक जो स्थिति रही है हमेशा से कांग्रेस की वो रही। परिषद के नाम पर कांग्रेस पार्टी के पास महज 1 MLA है, दीपक सिंह, जिनका कार्यकाल भी जुलाई में खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं परिषद की तो नियर फ्यूचर में इनके पास कोई परिषद भी नहीं है क्योंकि जो संख्या थी विधानसभा की वो बहुत कम थी। विश्लेषण के तौर पर दिल्ली में ऑलरेडी पतन की बात कर चुकी है प्रियंका गांधी, अब लखनऊ में आकर के जो पूरा धरातल पे जो सारी चीजें हैं कि शून्य स्थिति में क्यों आ गई है, ये पूरा आयोजन किया जाना है कांग्रेस की तरफ से। तो कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा ट्रिप है प्रियंका गांधी वाड्रा का और ये जो 2 दिन का शिविर। निकिता, जिस तरह से लगातार चिंतन किया जा रहा है कांग्रेस में, उदयपुर में भी चिंतन किया गया, चिंतन शिविर लगाया गया, तो क्या ये चिंतन शिविर का दूसरा नाम नव संकल्प शिविर यहाँ रख दिया गया? बिल्कुल, नव संकल्प शिविर ये इसी चीज का नाम रखा है क्योंकि लगातार विश्लेषण हो रहा है कि पार्टी पतन की तरफ क्यों जा रही है। अभी जिस तरीके से खुद प्रियंका गांधी की टीम ने यहाँ पर जो सदस्य भेजे हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण, लेकिन ऐसा पहला नव संकल्प शिविर ये होगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होगा कोई? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होगा क्योंकि लगातार पार्टी के पास अभी कोई उम्मीदवार नहीं बचे हैं, तो इसीलिए जो पुनर्विधायक हैं उनके जो पुराने विधायक हैं, जो पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जिले और शहर के जितने भी पूर्व विधायक हैं और साथ ही उम्मीदवार, वो सब फिलहाल मौजूद रहेंगे इस शिविर में ताकि पतन का कारण लगाया जाए। आप ये देखिए 2012 के बाद से जो पूरा कांग्रेस का शेयर बैंक है वो भी 15% से 2.33% हो गया है, तो लगातार जो टीम है वो पतन की ओर है। तो इसीलिए आज यूपी प्रभारी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा वो लखनऊ आएंगी ताकि लखनऊ से ही पता लगाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो गायब चल रही है, चाहे मैं विधानसभा की बात करूं चाहे मैं विधान परिषद की बात करूं। और यही एक चीज है कि उत्तर प्रदेश से इस बार 3 उम्मीदवारों को भी, इमरान प्रतापगढ़ी की अगर मैं बात करूं, राजीव शुक्ला या प्रमोद तिवारी उनकी बात करूं, तो उन्हीं को राज्यसभा में भेजा गया है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था, स्टेट टू स्टेट वाइज ही रहते थे सारे उम्मीदवार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को रखने का सिर्फ मकसद यही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका स्ट्रांग हो सके, और साथ ही प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला को उत्तर प्रदेश से ही भेजने का ये मकसद है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भी स्ट्रांग हो सके। बिल्कुल, तो वोटों को साधने की कोशिश इस राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए की जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा ये जो पत्ते खोले गए हैं, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, कितना कामयाब साबित होते हैं या फिर ये चिंतन शिविर वाकई चिंता में बदलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।